हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु जी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ मार्क्स की। जोन कौन सा है? जोन है कोलकाता की। आज हम लोग बात करेंगे, आज कोलकाता जोन की हम लोग बात करेंगे। तो कोलकाता जोन जाने से पहले ये जान लीजिए वहाँ की वैकेंसी कितनी है कट ऑफ जानने से पहले। ठीक है, वहाँ वैकेंसी है 2367 वैकेंसी है, और आप कट ऑफ मार्क्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स स्कोर जो शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जस्ट बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारी बनाई हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कोलकाता के कट ऑफ मार्क्स की। देखिए, ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका कट ऑफ जाने वाला है 60 से 64 के बीच में, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका कट ऑफ जाने वाला है 56 से 60 के बीच में, और एससी कैंडिडेट हैं तो आपका कट ऑफ जाने वाला है 54 से 56 के बीच में, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका 50+ अगर मार्क्स आएगा तो आप बिल्कुल सेफ हैं सेकेंड एग्जाम में फिजिकल में जाने के लिए पूरे पूरे तैयारी हैं। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा, पेपर देखिए दो तरीके से बन रहे हैं, एक हार्ड लेवल बन रहे हैं, एक इजी लेवल बन रहे हैं। ठीक है, जो हार्ड लेवल के बच्चे हैं वो घबराए ना, इतने कट ऑफ पर देख के डरे ना, क्योंकि उनका जो है उस शिफ्ट का, जिस पे शिफ्ट का पेपर हार्ड रहेगा उसको 10 से 15 नंबर आरआरबी अपनी ओर से देगी, अपनी ओर से कुछ कुछ नंबर 10 से 15 हो सकता है, क्योंकि एवरेज में लाने के लिए, क्योंकि आरआरबी को आरआरबी के अनुसार लेकिन टफ पेपर होगा। टफ की बात हो रही है, हमारे और आपके टफेस्ट की बात नहीं हो रही है। आरआरबी ने दो तरह के पेपर बनाई है, टफ और नॉर्मल। तो नॉर्मल वाले पेपर में जो है तो उनका तो ये कंफर्म है कि इतना मार्क्स आ गया तो वो सेफ जोन में है, लेकिन जो टफ वाले हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आरआरबी अपनी ओर से कुछ मार्क्स इनको इनकी एवरेज मिलाने के लिए अपनी ओर से मार्क्स देगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, अगला वीडियो आप किस जोन पे चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स पे हमें बताइए, और आपके अनुसार एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना होना चाहिए कोलकाता का आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।